Hello, friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the video series of Mining Mate Examination Restricted to Metal. This is the part 4 of the Probable MCQs, including the CVT Test 2021. And uh, in this video, we are going to cover 30 questions, including 10 questions from the uh, last part of the CVT examination and 20 other probable questions, which will be helpful in your upcoming Mining Mate Examination. So friends if you are new on my channel please subscribe my channel and if you like this type of videos please hit the like button and share with your friends Let's get started Question number 91 Light motor vehicles flying on haul roads should have a raised red flag or red flag visible to a dumper operator from a distance at least 30 meters Answer will be C Question number 92 Examples of class 2 explosives are ऑप्शनस बहुत तरह बहुत सारा है तो क्लास टू एक्सप्लोसिव वही उसी को बोलते हैं जिसमें नाइट्रेट मिक्सचर रहता है तो और क्लास वन क्लास टू क्लास थ्री ऐसे कर क्लास सिक्स या जितना भी टाइप्स ऑफ एक्सप्लोसिव है उसको एक बार आपको ध्यान देना पड़ेगा तो नाइट्रेट मिक्सचर जो है वो क्लास टू में आता है जो लास्ट वाला ऑप्शन है एक्वाडाइन एनफो एन एनर्जेल ये आता है उसी में क्लास टू में तो आंसर उल बी ई हम लोग का जो एक्सप्लोसिव का जो एक्ट है उसको एक देख लीजिएगा उसमें सारा चीज़ इसमें क्लियर हो जाता है अगर वहाँ से भी समझ में नहीं आता है तो एक बार पेसो में जाके देखिएगा क्वेश्चन नंबर नाइन्टी थ्री साइज ऑफ़ द स्पलिट्स इन द फास्ट एड बॉक्स बेस्ड ऑन द सेकेंड शेड्यूल फास्ट एड बॉक्स में जो तो स्प्लिन रहता है उसका साइज कितना रहता है एज पर सेकेंड शेड्यूल तो ऑप्शन सर वन पॉइंट टू वन पॉइंट थ्री फोर पॉइंट फाइव टू पॉइंट फाइव नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस क्योंकि जो स्प्लिन रहता है ना उसे सेट्स ऑफ स्प्लिट्स रहता है फास्ट एड बॉक्स में उसमें रहता है जो भी डिफाइंड रहता है उसका Uh, कितना साइज है एक है वन पॉइंट फोर मीटर एक है जीरो पॉइंट नाइन मीटर एक है जीरो पॉइंट थ्री मीटर ये तीनों टाइप का तीनों साइज का स्प्लिट्स यहाँ पर रहता है लेकिन ऐसा कोई भी यहाँ पर ऑप्शन नहीं है तो आंसर विल बी नॉन ऑफ दिस आंसर विल बी ई क्वेश्चन नंबर नाइनटी फोर आइडेंटिफाई द ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉस्ट ऑफ रिमूविंग ओवरबर्डन गोज ऑफ एज द क्वायरिंग ऑपरेशन एक्सटेंडेड टू द डीप साइड ऑफ द प्रॉपर्टी Yes, safety management plan of mine needs to be reviewed before deploying a new combination of HMM for overburden removal. Yes, break-even stripping ratio is constant and can't change. No, ये false है क्योंकि break-even stripping ratio भी change होता है। पहले जानते हैं कि stripping ratio क्या है, break-even stripping ratio क्या है? Stripping ratio है, सोचिए कि एक ton और निकालने के लिए कितना ton का हम लोग का overburden निकालना पड़ेगा। तो उसका ratio को बोलते हैं break-even uh, stripping ratio। तो ब्रेक इवे स्ट्रिपिंग रेसि तो क्या है कि एक रेशियो तक जहाँ तक हम लोग जाएंगे जो हम लोग का माइनिंग इकोनॉमिक हो अगर बियॉन्ड ओ रेशियो तो के बाद अगर हम लोग माइनिंग करते हैं तो वो अन इकोनॉमिक होता है तो उसको बोलते हैं ब्रेक इविन स्ट्रिपिंग रेशियो तो उसका एक फार्मूला यहाँ पे यहाँ पे जस्ट दिखाया हूँ आपके रेफरेंस के लिए क्योंकि रिकवरेबल वैल्यू पर टन माइनस प्रोडक्शन कॉस्ट पर टन डिवाइडेड बाई स्ट्रिपिंग कॉस्ट पर टन ऑफ वेस्ट सोचिए कि रिकवर वैल्यू मतलब जो मार्केट का वैल्यू है जिसमें आप सेल करते हैं सोचिए कि हज़ार रुपये में हम आप सेल कर रहे हैं पर टन और प्रोडक्शन कॉस्ट आपका छः सौ रुपया है तो आपका प्रॉफिट हुआ चार सौ रुपया डिवाइड बाय वेस्ट रिमूवल के लिए कितना खर्चा हुआ सोचिए कि दो सौ रुपया तो आपका उसको डिवाइड करने से जो मिलता है जैसे कि टू आया तो वो होता है आपका ब्रेक एवं स्ट्रिपिंग रेशियो ब्रेक एंड स्ट्रिपियो कैसे कॉन्स्टेंट नहीं है क्योंकि सोचिए कि प्रोडक्शन कॉस्ट आपका बढ़ गया या रिकवरल वैल्यू या मार्केट डाउन हो गया तो ऑब्वियसली ब्रेक एंड स्ट्रिपिंग रेशियो यहाँ पर चेंज हो जाता है आंसर विल बी फर्स्ट ट्रू बी ट्रू एंड सी एफ डी आंसर डी क्वेश्चन नंबर 95 फाइव इन ए केबल इफ फ्लेक्सीबल मेटली कवरिंग इज यूज इट सल नेबर बी यूज एज द अर्थ कंडक्टर एंड द ओनली मेन अर्थिंग कोर इज टू बी यूज फॉर अर्थिंग इट सल नॉट बी यूज अलोन एस द अर्थ कंडक्टर बट कैन बी यूज एज द एडिशनल अर्थ कंडक्टर अलांग विथ द मैन अर्थिंग कोर दिस इज द राइट आंसर आंसर विल बी देखिए ये फ्लेक्सिबल जो केबल है जो इलेक्ट्रिसिटी रूल में आ रहा है इसमें मिनिमम मैं अभी तक चार क्वेश्चन में देख चुका हूँ चार क्वेश्चन मिनिमम आ रहा है मैंने मैं माइनिंग मेट का जो वीडियो सीरीज बनाया हूँ या माइनिंग फॉरमैन का जो बना रहा हूँ उसमें भी उसी को मिला के बोल रहा हूँ कि मिनिमम चार पाँच क्वेश्चन में काउंटर कर चुका हूँ तो आंसर विल बी बी क्वेश्चन नंबर नाइन्टी सिक्स हुए आर मस्ट बॉन्स और गार्ड्स बी प्रोवाइडेड ऑन हॉलेज रोड हॉलेज रोड में कहां पे बॉम्स और गार्ड्स प्रोवाइड करना चाहिए ओनली द क्रैक्ड हॉल रोड्स ऑन द आउटर बैंक ऑफ एवरी एलिवेटिंग रोड हुए नेक्स्ट टू पिट ओनली एट कर्ब रोडर बी बी ऑन द आउटर बैंक ऑफ एवरी एलिवेटिंग रोड हुए क्वेश्चन नंबर नाइनटी सेवन कैलकुलेट ड्रिल मशीन पर मीटर इन टर्न फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा वो पूछ रहा है कि ड्रिल मशीन का पर मीटर कितना टन का यील्ड देता है तो डायमीटर होल दे दिया 115 सौ mm, टाइप ऑफ मेटेरियल दे दिया लाइम जिसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 पॉइंट फाइव है बर्डन एंड स्पेसिंग दे दिया 3 मीटर एंड 3 मीटर तो वो पूछ रहा है कि अगर बर्डन और स्पेसिंग 3 मीटर एंड 3 मीटर है और होल साइज़ 115 वन mm है और स्पेसिफिक ग्रेविटी टू मतलब लाइम का है उसमें एक मीटर अगर ड्रिल करता है तो उसमें कितना टर्नेज उसको मिलेगा तो वहाँ उसका सिंपल है इसमें देखिए ज़्यादा इसमें सोचना नहीं है पर्टिकुलर क्या है कि हम लोग को बॉडन स्पेसिंग मिल गया देखिए यहाँ के फिगर में थ्री एक थ्री बॉक्स दिखाया हूँ देखिए होल टू होल जो येलो वाला है वो होल टू होल है तो होल हो गया होल टू होल मतलब स्पेसिंग हो गया थ्री मीटर वहाँ से लेके जो राइट right साइड तरफ ब्लू वाला है उसको सोच लीजिए वो फ्री फेस है माने वो हो गया बर्डन थ्री मीटर और नीचे का जो डेप्थ है डेप्थ तो यहाँ पर दिया नहीं है कि बेंच का हाइट कितना है लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है पर मीटर क्वेश्चन यहीं पे क्या यहीं पे है कि पर मीटर वो पूछ रहा है कि पर मीटर में कितना टर्नेज हम लोग को मिलेगा तो आपका डेप्थ हो गया वन मीटर और डायमीटर का इसमें कोई इसमें डायमीटर का कोई वैल्यू नहीं है तो स्पेसिफिक गायटी मिल गया टू पॉइंट फाइव तो यहाँ पर सिंपल है इसको मल्टीप्लेक्सन कर दीजिए आंसर विल बी ट्वेंटी टू पॉइंट फाइव सिंपल है विल बी ए क्वेश्चन नंबर नाइन्टी एट देखिए 97 तक जो क्वेश्चन था वो था लास्ट ईयर जो माइनिंग मेट का रेस्ट्रिक्टेड मेटल का जो सीबीटी टेस्ट था 2021 का उसका सॉल्यूशंस एंड क्वेश्चन एंड सॉल्यूशंस 97 क्यों है लेकिन क्यों है कि तीन क्वेश्चन उसमें था जो रिपीट हो रहा था बार बार जिसको हम ऐड नहीं किए थे क्योंकि अगर जैसा क्वेश्चन था अगर वैसे उसको ऐड करते तो वो तीन क्वेश्चन फिर से रिपीट होकर आपके सामने आता इसलिए हम एक ही बार उसको किए थे इसीलिए तीन क्वेश्चन आपका मिस हो रहा है ओके अभी हम जो दिखाने वाले हैं उसमें क्या है कुछ प्रोबेबल क्वेश्चन जो फ्रॉम माई साइड तो वो भी आपको हेल्पफुल होगा तो क्वेश्चन नंबर 98 एट आज पर एम वी टी रूल्स इन माइन एल डिपोजिट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट्स विथ मैनेजर आंसर बी सी क्वेश्चन नंबर 99 नाइन द सेल वैल्यू ऑफ हेमाटाइड फ्रॉम एन ओपन पेट माइन इज रुपीज सेवन थाउजेंड पर टन कॉस्ट ऑफ माइनिंग एक्सक्लूडिंग स्ट्रिपिंग इज ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर टन इफ द कास्ट ऑफ स्ट्रीपिंग इज ट्वेल्व फिफ्टी पर मीटर क्यूब द ब्रेक एवं स्ट्रिपिंग जो है इन मीटर क्यूब पर टन इज वट तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि ब्रेक एवं स्ट्रिपिंग जो बताओ देखिए सात हजार दे दिया आपका कॉस्ट ऑफ सॉरी जो मार्केट वैल्यू और कॉस्ट ऑफ माइनिंग हो गया आपका ट्वेंटी फाइव हंड्रेड पर टन तो कॉस्ट ऑफ स्ट्रिपिंग मतलब आ, जो वेस्ट आप रिमूवल कर रहे हैं वो वॉल्यूमेट्रिक दिया यहाँ पे कि 1250 पर मीटर क्यूब तो ब्रेक एम स्ट्रिपिंग रेशियो मीटर क्यूब पर टन उसका जो यूनिट है उसमें कैसे आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर भी 3.6 मीटर क्यूब पर टन सिंपल है 7000 थाउजेंड माइनस ट्वेंटी फाइव हंड्रेड डिवाइड बाई आंसर विल भी 3.6 मीटर क्यूब पर टन आज पर द फॉर्मूला जो दिखाए थे ब्रेक एम स्ट्रिपिंग रेशियो क्या सेम है क्वेश्चन नंबर हंड्रेड

इलेक्शन डेपुटेशन नोमिनेशन, नॉन ऑफ़ दिस नॉमिनेशन बी डी क्वेश्चन नंबर वन जीरो सिक्स प्राइम फैक्टर ऑफ द एक्सीडेंट इज एक्सीडेंट होने का सबसे मेन कारण क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड वायोलेशन ऑफ सेफ्टी नॉर्मस

वट इज द फुल फॉर्म ऑफ पी टी एन पेंटाइथेन टेटरनाइटेड पेंटा एरिथ्रेटल ट्राइनाइटेड पेंटा एरिथेटल टेटरनाइटेड पेंटा इथेन टोल्यून नाइट्रोजन नॉन ऑफ दिस आंसर बी पेंटा एरिथरेट्रल टेटरनाइटेड आंसर उल बी सी क्वेश्चन नंबर वन जीरो एट सुपर एलिवेशन इज ए टर्म यूज फॉर डिजाइनिंग ऑफ वाट सुपर एलिवेशन सुपर एलिवेशन कहाँ पर आता है जहाँ पर रोड कर्व होता है तो जहाँ पर रिटार्डिंग फोर्स जाता है उस तरफ थोड़ा सा हाइट रहता है तो उसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन

सौ ग्यारह अकॉर्डिंग टू माइन्स एक्ट नाइनटीन फिफ्टी टू कैलेंडर ईयर मीन कैलेंडर ईयर और एक हम में बात किए थे फर्स्ट जनवरी टू थर्टी फर्स्टर आंसर बी बी क्वेश्चन नंबर वन वन टू वज ओ एम रिप्रेजेंट ओएमएस क्या बोलते हैं ओएमएस क्या है ओएमएस एम एस इज आउटपुट पर मैन शिफ्ट व्हाट इज दिस दिस इज ऑप्शन दे रहा है प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी फ्रीक्वेंसी वन एंड टू नन ऑफ दिस आंसर भी प्रोडक्टिविटी कितना एफिशियंट है जो काम कर रहे हैं हम लोग बी क्वेश्चन नंबर वन वन थ्री हुई ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी फीचर्स ऑफर्स प्रोटेक्शन अगेंस्ट हेड टू हेड और हेड टू टेल कॉलिजन ये हम लोग का सेफ्टी कॉन्फ्रेंस में नेशनल कॉन्फ्रेंस में आ चुका है और इसका सर्कुलर भी निकल चुका है एंटी स्कीड एंड टेल प्रोटेक्शन Audio visual alarm, GPS DPM based navigation system, biometric system, check-in, check-out, ergonomic design of operator seat. Answer will be anti-skid and tail protection. So answer will be A. Question number one one four. No working shall be made within roads or building dash meters of any railway or any public work. Answer will be forty five. C. Question number one one five. siderosis is caused due to inhalation of obviously iron dust. ये आपको मिल जाएगा जो अनोट अनोटिफाइड ऑक्यूपेशनल डीजेस है इसके लिए मैं स्पेशल वीडियो बना के रखा हूँ उसका लिंक भी आपको आई बटन में मिल जाएगा अननोटिफाइड नॉट नोटिफाइड नोटिफाइड तो ऑक्यूपेशनल है ही लेकिन ये अनोटिफाइड में आ रहा है एम्प्लॉयड इन माइंड शुड बी कन्फर्मेशन विथ फॉर्म पी फॉर्म पी वन फॉर्म पी टू फॉर्म एम फॉर्म एम वन आंसर भी फॉर्म पी वन तो यहाँ पे एक चीज हम बोलना चाहेंगे ये भी आपको एक शॉर्ट नोट एक बनाना पड़ेगा एक छोटा सा पेपर में कि जित कितना फॉर्म्स है हम लोग का टोटल रेगुलेशन टोटल रूल्स को मिला के कितना फॉर्म्स है कितना आ, कौन सा फॉर्म किसके लिए है उसको एक लिस्ट बनाइए वो बहुत हेल्पफुल होगा बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा याद रखने में क्वेश्चन नंबर वन वन सेवन नॉइज़ मैपिंग शुड बी डन वे द नॉइज लेवल इज अबव एट्टी फाइव बी ए इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए क्वेश्चन नंबर वन वन एट व्हाट मिनिमम डिस्टेंस नीड टू बी बिटवीन वर्किंग ऑफ टू माइंस मैनेजमेंट इनवॉल्स ट्राइपेटाइट इसके लिए भी मैं एक, एक स्पेशल वीडियो बनाकर रखा बाइाट और ट्राइपेटाइट उसको भी आपको लिंक, लिंक पे मिल जाएगा देख लीजिएगा ट्राइपेटाइट और बाइपैटाइट बाईपटेडो होता है जहाँ पे दो पार्टी बैठ के डिसीजन लेता है ट्राई होता है जहाँ पे तीन पार्टी बैठता है तो वो तीन पार्टी कौन कौन है मैनेजमेंट ट्रेड यूनियन यहाँ दो हो गया छोड़ दीजिए बी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट डी जी एम एस ट्रेड यूनियन मैनेजमेंट स्टेट गवर्नमेंट मैनेजमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट नॉन ऑफ दिस अनसुल बी सेंट्रल गवर्नमेंट ट्रेड यूनियन एंड मैनेजमेंट वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में डी जी एम एस भी आता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में दूसरा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट भी आता है अनशुल बी बी क्वेश्चन नंबर 120 द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो आई कन्वेंशन नंबर 176 इन माइंस इन रिलेटेड विथ व्हाट आई कन्वेंशन नंबर 176 ये 176 आया था इलेवेंथ नेशनल कॉन्फ्रेंस में आई क्या है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो वर्कर्स का जो माइंस में काम कर रहे हैं उनका सेफ्टी और हेल्दी के लिए काम करता है तो इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया है कि वर्किंग प्रोसीजर इन माइंस

If this information is helpful to you, please uh, hit the like button and share with your friends. And if you are new in my channel, please subscribe my channel. See you in the next video with more uh, questions and solutions. Thank you.